दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इस सदी के पहले नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया आप लोगों को भी मेरी इस बात पर कोई शक शुबा नहीं होगा। आप भी ये बात मानोगे कि हाँ भाई साहब, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कुछ ऐसा ही कारनामा करेगी। तो भाई, आज इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है, जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कि भैया ये फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर भैया 300 करोड़ का आंकड़ा छूने का मद्दा रखती है मेरे भाई। तो कैसे होगा ये चमत्कार आदि पुरुष के साथ, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास अपनी इस फिल्म यानी कि आदि पुरुष को अगले महीने की 16 तारीख को सिनेमा घरों में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई, इस तहलके की गूंज आज भैया बॉक्स ऑफिस की गलियारों से निकल के हम लोग के सामने आई है इस खबर के साथ कि भैया इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो है ना मेरे भाई, 170 करोड़ में बिके हैं केवल एक लैंग्वेज के लिए। मेरे भाई, केवल एक लैंग्वेज के लिए, यानी कि भैया इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों को इस बात का पूरा यकीन है कि भाई ये फिल्म जब पैन इंडिया के तहत इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो भैया ये फिल्म हर लैंग्वेज में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के तेलुगु राइट जो है ना, मतलब भैया थिएटर वाली जो तेलुगु राइट है वो 170 करोड़ में बिक्री हुए मेरे भाई। यानी कि भैया तेलुगु मार्केट में इस फिल्म को लेकर ये बातें कही जा रही है कि भाई जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो भैया ये फिल्म कमाई के मामले में सुनामी ला देगी मेरे भाई, सुनामी। यानी कि भैया तेलुगु राइट्स को खरीदने के लिए जब इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को देखा तो उनको इस बात का यकीन हो गया है कि भाई भले ही इस फिल्म के खिलाफ काफी नेगेटिविटी फैलाई गई है, लेकिन जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भैया वो नेगेटिविटी जो है ना वो धुआं धुआं हो जाएगी मेरे भाई। इस फिल्म के सामने जब इस फिल्म को ऑडियंस सिनेमा घरों में देखने आएगी तभी तो भाई इस फिल्म के जो राइट है ना तेलुगु वाले वो 170 करोड़ में बिके हैं। और भाई हिंदी लैंग्वेज में भी इस फिल्म को कुछ ऐसा ही रिस्पांस मिला है डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में मेरे भाई। यानी कि भैया रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म कमाई के मामले में छक्के पर छक्के मारते जा रही है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया इस फिल्म के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर को इतनी ताकत कैसे मिली कि भैया वो इस फिल्म के लिए 170 करोड़ खर्च कर रहे हैं अपने सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।